नाम है इनका महेश खटामनानी, जिन्हें हम महेश बाबू के नाम से जानते हैं। तेलुगु सिनेमा का जबरदस्त सब सुपरस्टार महेश बाबू का जन्म हुआ 9 अगस्त 1975 चेन्नई में। ये अपने माँ बाप के 5 बच्चों में से 4th नंबर की औलाद में है। पिता तेलुगु एक्टर कृष्णा और माँ इंदिरा। इनका बचपन ज्यादातर चेन्नई में ही बीता। ये नानी दुर्गा माँ के यहाँ। इनके पिता कृष्णा अपनी फिल्मों में बहुत ज्यादा मसरूफ थे और इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई की देखरेख की रमेश बाबू ने। भाई बहनों के साथ ये क्रिकेट खेलते। इनके पिता भी इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि शनिवार और इतवार को इनकी शूटिंग VGP यूनिवर्सल में हो, ताकि वो इनके साथ कुछ वक्त बिता सके। इनके पिता ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी और इस बात का बहुत ख्याल रखा कि कोई भी इनका बच्चा इनके नाम की वजह से मुसीबत में ना आए। यही वजह थी कि इनके सारे बच्चों ने अपनी असलियत छुपा कर रखी, ताकि स्कूल में इनके साथ किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई सेंट बेडेस AI HR SCC सेकेंडरी स्कूल से, जो कि चेन्नई में था, जहाँ पर मशहूर एक्टर कार थे इनके स्कूल मेट थे। ये पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे, इन्होंने कॉमर्स की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद ये डायरेक्टर एल सत्यानंद से मिले, जो कि उस वक्त विशाखापट्टनम में थे, और अपनी एक्टिंग की ट्रेनिंग के बारे में इन्होंने बातें की। 3-4 महीने ये ट्रेनिंग चली। ये बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि ये तेलुगु लिख और पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए जब फिल्म की डबिंग हुआ करती थी तो ये डायलॉग स्कोर रटा करते थे। किस्सा भी मशहूर है कि जब ये सिर्फ 4 बरस के थे तो ये एक तेलुगु फिल्म के सेट पर पहुंचे। फिल्म का नाम था नेरा। ये सन 1979 की बात है। ये उस फिल्म के कुछ सीन्स में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी नजर आए। 1983 की फिल्म पुरातम की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर कॉडी रामकृष्णन ने महेश बाबू के पिता कृष्णा से कहा था कि इन्हें हीरो के भाई का रोल देना चाहिए। शुरुआत में महेश बाबू की हालत खराब थी और फिर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। और कुछ देर के लिए इनके पिता कृष्णा ने इन्हें एक्टिंग रोकने के लिए भी कहा, और बड़े होकर इतने बड़े स्टार बन जाएंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और तेलुगु सिनेमा इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के बस की बात नहीं। सन 2002 में एक फिल्म की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में चल रही थी। महेश बाबू की मुलाकात हुई इनकी को स्टार नम्रता शिरोडकर से। मुलाकात प्यार में तब्दील हुई अभी शादी में। हालांकि कुछ वक्त लगा अपने माँ बाप को तैयार करने में। एक बार वो मान गए तो महेश बाबू और नम्रता की जोड़ी बनकर ही रही। की शादी हुई 10 फरवरी सन 2005 में। का पहला बच्चा 31 अगस्त सन 2006 को जन्मा। का नाम रखा गौतम कृष्णा। 30 जुलाई 2012 को उनके घर बेटी ने जन्म लिया। इसका नाम रखा सितारा। और करने वाली बात ये है, तेलुगु फिल्मों की जबरदस्त अदाकारा विजया निर्मला महेश बाबू की सौतेली माँ है, और अदाकार नरेश इनके सौतेले भाई। पूरी फैमिली ही लाइमलाइट से जुड़ी है। किन्हें जिस तरह की परफॉर्मेंसेज इन्होंने दी है, उस वजह से इन्होंने भारतीय सिनेमा का सर फखर से बुलंद कर दिया है।